सर्वोच्च गृह निर्माण समिति के सदस्य जिन्होंने 1990 में संस्था से भूखंड क्रय किए थे। आपको बता दें उन्होंने आज 23 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सहकारिता विभाग का घेराव किया एवं भूख हड़ताल पर बैठे, जो कि अनिश्चित काल तक चलेगी। बंद करो, बंद करो, सहकारिता विभाग की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपका क्या नाम है? मैं जेपी पटेल। ये मेरा है, भवानी बोलते हैं। तो अलग अलग थोड़े एक ही होगा ना? सबके अलग अलग प्लाट है। सोसाइटी देखी होगी? ये भवानी गौतम आप हैं जी? मोबाइल नंबर आपका है? मोबाइल नंबर हमने 1989 में सर्वोदय गृह निर्माण संस्था के सदस्य बने। आप लोग सदस्य बने, ठीक है। हाँ, और उसके बाद एक पैसा हमने दिया तो 1989 में रजिस्ट्री हमारी बनी है। रजिस्ट्री 89 में रजिस्ट्री भी है, कई अनुबंधधारी भी है। 170 लोगों की रजिस्ट्री धा रही है जिनका प्लाट है, अनुबंध पूरा ये सब क्या हुआ। अब उसके बाद मेरा नाम हरगोविंद माणी, मैं 89 का सर्वोदय गृह निर्माण संस्था का जो है ना मूल रजिस्ट्रीधारी हूँ। मेरी रजिस्ट्री को उन्होंने संशोधन के नाम से हरीश शर्मा ने अपने पास रख लिया और तब से ही वह मतलब यह बोलता है कि तुम अपनी रजिस्ट्री मुझे सौंप चुके हो, अब तुम्हारा कोई प्लाट नहीं है और तुम्हारा कोई इस पर अधिकार नहीं है, तुम अब इसके अधिकारी नहीं हो। अब मैं चाहूँ तो तुम्हें पैसे दे दूँ, 50,000 1,00,000, वो लेना हो तो ले लो। ऐसा करके मेरे को जो है मतलब हमेशा इग्नोर करता है और मेरे को जो है मेरा प्लाट खा चुका है। आज आप यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं? आज हम भूख हड़ताल पे अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पे हैं और जब तक हमारा प्लाट नहीं मिलता हम सरकार से निवेदन करेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी, कलेक्टर से भी, सहकारिता से भी और तहसील ऑफिस से भी कि हमें न्याय दिलाया जाए। किन किन लोगों को अभी तक ज्ञापन दे चुके हैं इस बारे में? ऐसा कोई विभाग बाकी नहीं है जहाँ नहीं दिया हो। कलेक्टर साहब को भी आपने ज्ञापन दिया? वहाँ पे भी सबको दिया है। अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? अभी यानी कहीं से संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को भी दिया, सहकारिता में कई बार दिया, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, पुलिस थाने सब जगह दिया। थाने सहकारिता विभाग मिला हुआ है सर उन लोगों से? आज तक के हमें माफिया से मेरी रजिस्ट्री है, इसमें क्या गलती है आप पढ़िए, ये देखो ये रजिस्ट्री है मेरी। रजिस्ट्री धारी में 83 का मेंबर, 1983 और 89 में मैंने रजिस्ट्री करवाई है। देखिए ये कब्जा प्रमाण पे मेरा कब्जा प्रमाण 97 में मेरे को दिया गया, उस समय से मैं कब्जा कर रहे हो। मैंने थोड़ा बहुत बनाया तो थोड़ा नहीं को फिर रहा है बार बार नोटिस। ये मैं शेयर धारक भी हूँ, 7 एकड़ जमीन का शेयर धारक भी हूँ। देखिए ये शेयर धारक भी हूँ। देखो सुनिए सर, ये नामांतरण सर्वोदय गृह निर्माण सोसाइटी जो स्वर्गीय सेवा क्राम मंजारे ने 1983 से लेकर 2000 तक एक सर्वोदय गृह निर्माण सोसाइटी का निर्माण किया, मिलिंद नगर SOS बालग्राम के पीछे खजूरी रोड में। उसने 120 सदस्यों को रजिस्ट्री किया और रजिस्ट्रीधारियों ने अपने नाम पे नामांतरण सब कुछ करवाया, कब्जे में लिया। उसके बाद 50 सदस्य जो रसीदधारी थे उनको भी उसने कब्जा दे दिया। 4 से 5 साल के बीच में जन सहयोग गृह निर्माण गृह नकार सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हरीश शर्मा उसमें डेवलपर बन के आया सर्वोदय गृह निर्माण सोसाइटी में, और 1983 से 2000 के बीच में वो संपूर्ण 7 एकड़ का मालिक बन गया। दरअसल उसने क्या किया, सर्वोदय गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव श्री स्वर्गीय मुनिंद्र भारद्वाज और अवधराम भारद्वाज को किडनैप करके यहाँ पर भारत टाकिज के पास मुस्लिम बस्ती में उनको किडनैप करके पूरे ज़मीन अपने नाम लिखवा लिया और पूरे ज़मीन लिखवा करके वो प्लाट काट करके उसको बेचना शुरू कर दिया। आज हम लोग 30 से 35 सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। सर्वोदय गृह निर्माण के पुराने सदस्य लोग हैं, इनका ये मानना है कि उनके गृह निर्माण संस्था का जो भी डेवलप होना था उस मामले में कुछ अनियमितता हुई और बाद में जिस व्यक्ति ने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया उसने अपनी सोसाइटी बना ली और आप लोगों को उसमें प्लॉट नहीं मिल पाए और आप लंबे समय से भटक रहे हैं, ये आपका मेन आरोप है। इस मामले में मैंने SDM MP नगर को भी अथोराइज़ किया है, ये MP नगर में सोसाइटी आती है
क्योंकि हम लोग इस तरह के प्रकरणों में अभियान चला रहे हैं। इस प्रकरण में जितने भी इनका मुझे देखने में समझ में आया कि कुछ ना कुछ जरूर इनके साथ चीटिंग हुई है, तो वो डिटेल जांच के उपरांत इसमें SDM MP नगर से उन्होंने लीगल कार्रवाई करेंगे। सर, स्वीकारिता विभाग के ऊपर में भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं इनके द्वारा कि कई जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो पैसा लेके बिल्डरों के साथ मिल रहे हैं, ऐसे अधिकारी के ऊपर में भी कोई कार्रवाई हुई क्या? अगर जाँच में कोई तत्व प्रमाणित पाएगा तो लीगल कार्रवाई। सर, जाँच कब तक हो जाएगी पूरी लगभग? जांच मेरा मानना है कि इसमें SDM MP ने उनको जांच करके देनी रहेगी हम लोगों को। जांच में अगर प्रूफ होगा तो निकल कार्रवाई एक हफ्ते में हो सकती है। भूमाफिया हरीश शर्मा जो कि जन निर्माण के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संपूर्ण 7 खंड भूमि जो कि सर्वोच्च घर निर्माण संस्था की थी उनको 2002 से बेचना शुरू कर दिया था और फर्जी तरीके से सहकारिता विभाग और ISBT के कुछ बिके हुए अधिकारियों के साथ साठगांठ कर पूरी जमीन को सर्वोच्च घर निर्माण के संदिग्ध जो कि नहीं है उसको विक्रय कर दी थी। हमने कुछ सदस्य गणों से इस संबंध में बातचीत की, उन्होंने अपनी राय हमसे साझा की। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल।